खबरों में आगे बढ़ते हुए चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की, जो कि आज भी बैक टू बैक बैठकें लेने वाले हैं। किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग की बैठक लेंगे आज, पीएम फसल बीमा सहित किसानों से जुड़ी योजनाओं की रिपोर्ट भी लेंगे सीएम। तो बजट सत्र की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे सीएम। संसदीय कार्य और सामान्य प्रशासन विभाग की लेंगे बैठक। 2023 के 9 ट्रेनी आईएएस अधिकारियों से भी करेंगे मुलाकात। तो अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए, लगातार बैक टू बैक बैठकें अनुराग सीएम यादव ले रहे हैं, आज भी बैठकों का दौर है, क्या कुछ विशेष आज होने वाला है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री लगातार हम देख रहे हैं कल देर रात तक बैठकें करते रहे। परिवहन विभाग की बैठक लगभग रात के 10 बजे तक चली है और आज सुबह से फिर बैठकों का दौर मुख्यमंत्री का रहने वाला है, क्योंकि उन्होंने कहा था पहले ही कैबिनेट में कि मैं हर विभाग की समीक्षा करूंगा और इसी के तारतम्य में आज जो है कृषि विभाग पर उनका फोकस रहेगा। सबसे पहले किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग की सीएम बैठक लेंगे। फसल बीमा योजना जो है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उनकी क्या स्थिति है, कितने जो है उसमें मुआवजों को जो है आवंटन हो गया है, राशि जारी हो चुकी है और कहाँ पे मामले अटके हुए हैं, मुख्यमंत्री इसको लेकर एक पूरी रिपोर्ट जो है वो जानकारी आज कृषि विभाग के अधिकारियों से लेने वाले हैं। इसके अलावा चूंकि मानसून सत्र यानी कि बजट सत्र शुरू होने वाला है, 1 जुलाई से 3 जुलाई को बजट पेश होगा, उसकी तैयारियों की सीएम आज समीक्षा करने हैं और विधानसभा सत्र के हुआ मंत्रालय संसदीय कार्य मंत्रालय और डीएडी रहता है सामान्य प्रशासन, तो सत्र के पहले मुख्यमंत्री आज इन दोनों विभागों की भी जो है समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। जी तो बिल्कुल, आज बैक टू बैक बैठकें करने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तमाम जानकारी के लिए अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया।